रोजगार को आरजेडी मुद्दा बना रही है, कह रही है कि नीतीश सरकार में बेरोजगारी चरम पर है। तेजस्वी जब महागठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम थे तो 5 लाख युवाओं को रोजगार दिए। सो रोजगार मतलब तेजस्वी ये सरकार युवाओं को ठग रही है। ठीक बोल रहे हैं, रोजगार देने के लिए जमीन लेने वाले जो लोग हैं वो रोजगार बांटने का दावा कर रहे हैं। ये जितना भी रोजगार बांटे, रोजगार के बदले इन्होंने लोगों का जमीन लेने का काम किया, लोगों का खून चूसने का काम किया। इसलिए ये रोजगार का दावा इनका बेकार है, कहीं कुछ नहीं है। रोजगार हम लोग दे रहे हैं, एनडीए की सरकार में जॉब मिला, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। 10 लाख हम लोग का 12 लाख का लक्ष्य है, पर मुख्यमंत्री जी ने और एनडीए की सरकार ने 10 लाख को बढ़ा के 12 लाख कर दिया, और हम 12 लाख के लक्ष्य को आने वाले 1 साल में पूरा करेंगे। अब तक कितना मिला है? अभी तक जितना भी मिला है, जो बाकी रह गया उसको हम लोग पूरा कर देंगे, ठीक है ना।